यूपीआई इंटरनेशनल क्या है, उसका एक्टिव कैसे करना है और उससे हम पेमेंट कैसे कर सकते हैं और उसका चार्जेस कुछ लगेगा नहीं लगेगा, अगर लगेगा भी कितना चार्जेस हमको देना पड़ेगा, और अगर आपको यूपीआई इंटरनेशनल वाला फीचर नहीं मिला है फोन पे में तो कैसे मिल सकता है और क्यों नहीं मिला, कंप्यूटर में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बिल्कुल वीडियो कंप्लीट देखिए अगर आप फोन पे में यूपीआई इंटरनेशनल के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं हूं प्रसाद मेहता, मैं उन्हीं का नाम आपको स्वागत है। और आपको पता है फोन पे ने अभी फिलहाल अप्रैल मंथ में एक नया फीचर लॉन्च कर चुका है, यूपीआई इंटरनेशनल वाला फीचर। और ये फीचर का यूज हम कैसे कर सकते हैं और इससे हमको क्या क्या बेनिफिट भी मिलेगा, कंप्यूटर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बस वीडियो का आखिर तक बन रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए तो प्लीज वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक करिए, क्योंकि जब भी हमने वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आ जाए और वीडियो पहले देख सके। देखिए अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको तो इंडिया में ही रहना है, इंडिया से बाहर नहीं जाना है, कोई अदर कंट्री में नहीं जाना है, तो क्या जरूरत है हमको यूपीआई इंटरनेशनल के बारे में जानने के लिए। देखिए आपको जानना बहुत जरूरी है, हो सकता है आपको बाद में कभी भी जरूरत पड़ सकता है जो यूपीआई इंटरनेशनल वाला फीचर, या अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई यूज करते हैं, कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो आपको हर यूपीआई एप्लीकेशन का हर नया फीचर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अभी फोन पे ने लॉन्च कर चुके यूपीआई इंटरनेशनल वाला फीचर, अभी बात करते हैं फीचर के से क्या बेनिफिट मिलेगा, यूपीआई इंटरनेशनल है क्या। देखिए यूपीआई इंटरनेशनल है कि अगर आप इंडिया से कहीं भी बाहर जाते हैं तो वहां पर भी आप अपना इंडियन बैंक अकाउंट को यूज करके यूपीआई के थ्रू कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अभी 4-5 कंट्री में लागू किया गया, जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूं, एक तो है भूटान, सिंगापुर और नेपाल, ऐसे दो और 2-3 कंट्री है जहाँ पे अभी ये फीचर लागू है, जहाँ पे आप जाके आपके इंडियन बैंक से कोई भी इंडियन बैंक से आप वहां पे यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अभी बात करते हैं उसका एक्टिव कैसे करना है, तो एक्टिव करने के लिए फिलहाल आप अपना जो भी फोन पे है फोन पे को पूरा अपडेट कर लीजिए, उसका फोन पे का प्रोफाइल सेक्शन जाइए, जब भी फोन पे प्रोफाइल सेक्शन जाए थोड़ा सा नीचे आइए, यूपीआई इंटरनेशनल का एक फीचर आएगा, उस फीचर पे क्लिक करिए। जब उस फीचर पे क्लिक करें जितना भी बैंक अकाउंट आपका लिंक होगा वो सारा बैंक अकाउंट यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मेरा 2 बैंक अकाउंट लिंक है, एक पेटीएम है, एक स्टेट बैंक है, अभी ये दोनों बैंक में ये फीचर अवेलेबल नहीं है, इससे यहाँ पर साइट में नॉट एप्लीकेबल लिखा है। अगर यहाँ पर वो सर्विस एक्टिव होता तो यहाँ पर एक्टिव का ऑप्शन होता तो मैं जो भी बैंक को एक्टिव करता वो बैंक से मैं यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकता इंटरनेशनल में। अगर आपका पास और कोई बैंक अकाउंट है जिसमें यूपीआई इंटरनेशनल का फीचर अभी दिया गया है आपको या वो बैंक अवेलेबल किया है तो आपको वो बैंक को ऐड न्यू बैंक के ऊपर क्लिक करके वो बैंक को ऐड भी कर सकते हैं। फिलहाल मेरा 2 बैंक अकाउंट ऐड है, स्टेट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक, तो ये 2 बैंक में आप अभी इंटरनेशनल यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पर एक्टिव का ऑप्शन नहीं है। अगर आपका होगा तो साइट में एक्टिव का ऑप्शन होगा तो आप जाकर एक्टिव कर सकते हैं। अभी बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है, इससे पेमेंट कैसे करना है। सिंपल सी बात है, जैसे आप नॉर्मली अभी आप इंडिया में कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना यूपीआई पिन एंटर करके पेमेंट कर रहे हैं, सेम चीज वहां पे भी अपना आप कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई पिन एंटर करके आप इंटरनेशनल यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अभी बात आता है इसका कोई चार्जेस है कि नहीं, जी हाँ चार्जेस है। तो चार्जेस क्या है, देखिए इसका जो चार्जेस है वो आप कंट्री के हिसाब से और आपका बैंक आपका जो पेमेंट ट्रांजेक्शन फी के लिए वो कुछ आपसे ट्रांजेक्शन लेगा, वो ट्रांजेक्शन आप जहाँ पे ट्रांजेक्शन करेंगे वो कंट्री के हिसाब से होगा ट्रांजेक्शन। अभी होता है अगर आपको फीचर नहीं मिला है, अगर आपको ये फीचर नहीं मिला तो क्या क्यों नहीं मिला है, देखिए मैं जैसे बताया कि मेरा 2 बैंक अकाउंट आड़ जैसे स्टेट बैंक आड़ है और पेटीएम पेमेंट बैंक आड़ है, तो ये 2 बैंक अकाउंट में अभी ये फीचर लागू नहीं किया गया है या ये मुझे जो मेरा बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट से ये फीचर एक्टिव नहीं है इसलिए आपको नहीं मिला होगा। अगर आपको भी ये फीचर नहीं मिला अभी तक तो हो सकता है कि आपका बैंक में अभी ये जो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या आपको बैंक में ये फैसिलिटी अवेलेबल है और आपके अकाउंट में ये अभी एक्टिव नहीं हुआ है इसलिए आपको यूपीआई इंटरनेशनल वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए अगर यूपीआई इंटरनेशनल के बारे में आपको और ज्यादा कुछ जानकारी चाहिए होगा तो आप अपना यूपीआई जो भी यूपीआई फोन पे का कस्टमर सर्विस से बात कर सकते हैं या अपना बैंक से कॉन्टेक्ट कर सकते वहां पे भी पता कर सकते हैं यूपीआई इंटरनेशनल के बारे में और उसको कैसे एक्टिव करना है इसके बारे में जान सकते हैं। तो अगर आपको और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे यूपीआई इंटरनेशनल फीचर के बारे में तो मैं तो यही बोलूंगा बहुत बढ़िया फीचर है, अभी फ्यूचर में इसका बहुत काम आने वाला है क्योंकि अगर आप हम इंडियन है तो बाहर जाते हैं तो हमको उनका करेंसी लेके यूज करना पड़ता है, तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट में कुछ भी बैलेंस पड़ा है तो आप डायरेक्टली उसी बैंक उस आपके आपके बैंक अकाउंट अमाउंट को आप कोई भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो था यूपीआई इंटरनेशनल कैसे यूज करना है, कैसे एक्टिव करना है और इस फीचर से हमको क्या बेनिफिट मिलेगा।
तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक करिए, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप पा जाए, वीडियो पहले देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया बात और कुछ नई जानकारी लेके।